जैसे जैसे नगर निगम चुनाव की तारीख पास आती जा रही है, वैसे वैसे भाजपा और कांग्रेस के लिए चुनाव में बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार गले की हड्डी बने हुए हैं। अब अपनी पार्टी AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी चुनाव प्रचार को बुरहानपुर पहुंचे। असदुद्दीन अवैसी ने भाजपा कांग्रेस को राम श्याम की जोड़ी करार दिया। उन्होंने कहा वो सरजमी है जिसको हजरत बुरहानुद्दीन गरीब रहमत उल्लाह के नाम से मन सुख किया गया। मौजूदा ताजमहल की डिज़ाइन भी यहीं से बनाई गई। यह औलिया अल्लाह की ज़मीन है। क्या शाहजहां ने ताजमहल बनाकर कोई गलती की? क्या ताज ना बनाकर वो पैसा जमा करके रखते? 2014 में मोदी आए, चलो अब ताजमहल बना लें। अरे नौकरी मांगो तो कहते हैं बुरहानपुर का नाम बदल देंगे। जो सेना में 4 साल की नौकरी करेगा उसको भाजपा के दफ्तर में चपरासी की नौकरी देंगे। देश के प्रधानमंत्री देश के नौजवानों को चौकीदार बनाना चाहते हैं, उन्हें नौकरी नहीं देना चाहते। भाजपा को एक आंख में मुगल दूसरी में पाकिस्तान दिखता है। मैं यहां सिर्फ नगर निगम चुनाव लड़ने आया हूं, मगर आपकी मोहब्बत देखकर ऐलान कर रहा हूं कि अब विधानसभा का चुनाव भी लड़ेंगे। भारत जिंदाबाद के नारे लगाकर OBC ने अपना भाषण खत्म किया। विराट 24 के लिए बुरहानपुर से हेमराज रघुवंशी की रिपोर्ट। बल्कि बुरहानपुर में आवास योजना है, अमृत योजना है, यहाँ पर इतना करप्शन उसमें है कि ना आवास योजना में गरीबों को घर मिलता है और ना अमृत योजना में कोई सही काम होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मेयर को और 14 उम्मीदवारों को कामयाब करें ताकि गरीबों को उनका मुकाम मिल सके, ताकि गरीबों को उनका हक मिल सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। मैं बुरहानपुर की आवाम को सलाम करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने वो कारनामा अंजाम दिया जिससे आपने बुरहानपुर के अमन को बरकरार रखा। आप जानते हैं कि 2 मई के दिन एक सतीश चौहान नामी शख्स ने, 2 मई के दिन सतीश चौहान ने एक इबादतगाह पर जाकर खुद हमला किया, मगर आप लोगों ने सबर का दामन नहीं छोड़ा। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने जो दूरंदेशी दिखाई, आपने सतीश चौहान के उस नापाक मंसूबे को नाकाम कर दिया और बुरहानपुर के अमन को आपने बरकरार रखा। मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, बुरहानपुर के अमन को मजबूत करिए। बुरहानपुर में मजलिस की ताकत में इजाफा उस वक्त होगा जब आप 6 जुलाई के दिन अपना एक एक और पतंग के निशान पर लगाएंगे।